दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों को खूब पसंद किया जाता है। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शुभकामनाएं देने के लिए मिठाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। भगवान को भी मिठाइयों का भोग लगता है, लेकिन इस दिवाली बाजार के बजाय घर पर ही मिठाई बनाएं। ऐसी कुछ मिठाइयाँ हैं जिनको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली के त्योहार पर कौन सी मिठाई आप घर पर बना सकते हैं। नमस्कार, दिवाली से जुड़ी ये खास बातें आप सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस त्योहारी सीजन में दिलचस्प कहानी और दिलचस्प विषयों पर हमारी विशेष कवरेज सुनें। मिल्क पाउडर बर्फी बनाना बेहद ही आसान है। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में दूध और घी डालकर गर्म कर लें और फिर धीरे धीरे मिल्क पाउडर मिला लें। अब इसमें चीनी पाउडर और इलायची डालकर 2-3 मिनट तक पकाते रहे। जब यह मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तब इसे एक घी लगी प्लेट में डाल दें। अब इस मिश्रण को पूरा फैला लें और ऊपर से पिस्ता डालकर हल्के से दबा लें। अब इसे ठंडा होने के लिए भी रख दें। जब यह ठंडा हो जाए, तब इसमें मनचाहे टुकड़ों में काट लें। लीजिए, तैयार है आपकी मिल्क पाउडर बर्फी। सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू को भी आप आसानी से अपने घर पर बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में खोए को अच्छी तरह से भून लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। अब घी को गर्म करके उसमें काजू बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब इसी घी में सूजी को हल्के भूरे होने तक भून लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। अब जब सूजी ठंडी हो जाए, तब इसमें खोआ, चीनी, कबूरा, एक चम्मच दूध, काजू, बादाम, इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसमें अपने अनुसार आकार दे दें। लीजिए, तैयार है सूजी के लड्डू। इस दिवाली अपने घर पर बनाएं आगरा का मशहूर पेठा। पेठा बनाने के लिए पेठे के फल को छील लें और उसके बीज को निकाल लें। अब फल को टुकड़ों में काट लें और कांटे वाले चम्मच से उसमें छेद कर लें। अब एक बर्तन में पानी लें, उसमें फिटकरी के साथ पेठा डालकर दोबारा गर्म पानी में पेठे को करीब 5-6 मिनट तक उबालें। अब एक बर्तन में पेठे के साथ शक्कर डालकर पकाएं। कुछ समय बाद पेठे में से पानी निकलने लगेगा और शक्कर घुलने लगेगी। जब शक्कर पिघल जाए, तब उसमें खाने वाला रंग डालकर पकाते रहें। करीब 5-6 मिनट में पेठे का गूदा और चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद पेठे को करीब 5-6 घंटे तक ढक कर रख दें। इसके बाद पेठे पर केवड़ा जल छिड़क लें। लीजिए, अब तैयार है आपका पेठा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को छान लें। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गर्म कर लें। उसमें छना हुआ बेसन के साथ चीनी डालकर तब तक भूनें जब तक वो भूरे रंग का ना हो जाए। जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाए, तब इसमें केसर, जायफल और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें। अब इस मिश्रण के छोटे छोटे लड्डू बना लें और जब ये लड्डू बन जाए, तब इसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाल लें। मिल्क केक। मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध को गर्म कर लें। जब दूध उबलने लगे, तो इसमें कलछी को चलाते रहें ताकि दूध कढ़ाई पर चिपक ना जाए। जब दूध 1/3 भाग रह जाए, तब गैस की आंच कम कर लें। अब नींबू का रस को 2 बड़े चम्मच डालकर मिला लें। अब नींबू के रस को दूध में डाल लें। अब करीब 30-40 सेकंड दूध को पकाने के लिए रख दें। अब इसे तब तक पकाएं जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ी देर में जब दूध गाढ़ा होकर दानेदार होने लगे, तब इसमें चीनी डाल लें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। अब एक बर्तन में अंदर की तरफ घी लगा लें और इस मिश्रण को उसमें डाल दें। अब इसे जमने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे बाद जब यह जम जाएगा, और फिर आप इसे अपने मनचाहे आकार में काट दें। लीजिए, तैयार है आपका मिल्क केक। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्दी नए टॉपिक और दिवाली से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और दिवाली पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए।